पुलिस लाइन पहुंचे वर्धमान कॉलोनी निवासी पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर लगाया पैसे ऐंठने हेतु दबाव बनाने का आरोप। आपको बता दें, पुलिस लाइन में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की वर्धमान कॉलोनी निवासी एक पीड़ित परिवार पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि कुछ लोग उन पर पैसे ऐंठने हेतु दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने श्यामपुरी कॉलोनी निवासी कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, जो उन्होंने वापस कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर और पैसे ऐंठने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम निधि वर्मा। क्या कुछ मामला आपके साथ हुआ? मेरे पोर पर पैसों का वो लगाया जा रहा जी, मैंने पैसे ले रखे थे, मैंने वापसी कर दिए। अब मेरे से ब्याज का वो आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा ब्याज दो 10% का। इस चक्कर में मेरे घर वालों को परेशान करा जा रहा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरा चाचा पे आरोप लगाया जा रहा कपड़े फाड़ के। भाई इन्हें कट्टा बट्टी करी मेरे साथ में, मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है, मेरा घर वाला मर चुका है, मेरे पापा भी नहीं है। मेरे घर वालों को दबाव डाला जा रहा है कि पैसों के चक्कर में ब्लैकमेल करा जा रहा है मेरी मम्मी को, मेरे सारे परिवार को। मैंने कहा मेरी पूरी सुनाई नहीं करती बिल्कुल भी, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगाधरी यमुनानगर की। ये मामला कहाँ का है? ये सहारनपुर का, वर्धमान कॉलोनी का, ओली चौक। भैया 1,55,000 रुपए लिए थे, मैंने वापसी कर दी है, दुकान बेच के अपनी। अब मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे पे ब्याज दो, जो ब्याज रह गया था मेरे। मैंने कहा जी मेरे घर वालों पे सारे पे 5-7 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। किस चीज के बताए जा रहे हैं? ब्याज के, 10% का ब्याज मांगा जा रहा। अच्छा, पुलिस के पास गए आप? क्या? हाँ जी, उसने मेरी सुनवाई नहीं करी जी। अभी पुलिस लाइन भी अधिकारियों से मिले हैं, क्या कह रहे हैं? आप घर जाओ, आपकी सुनवाई होएगी। वो उनकी सुनते हैं, उनके कहने से एकदम आते हैं, और जब हम फोन करते हैं हमारा फोन भी नहीं उठाते। वो हमारा फोन नहीं उठाया उन्होंने, मैं बड़ी परेशान उठाया उन्होंने। और जब भी बुलाते हैं तो एकदम पुलिस आती है, और जब हम बुलाते हैं तो पुलिस आती नहीं हमारे कहे से, और हमें ब्लैकमेल करा जाता है। वर्षा कहती है मैं जहर खा लूंगी, मैं कपड़े फाड़ के वहाँ पेश हो जाऊंगी एसपी की कोठी पे, डीएसपी की कोठी पे। हमारा कोई कसूर नहीं है, मेरे चाचा का कोई कसूर नहीं है, मेरे चाचा को यूँ बताया जा रहा है, वो मेन मुद्दा है हमारे घर का, इसलिए हमारी सुनवाई की जाए। ग्राम सड़क दूधली में बुग्गी खड़ी करने को लेकर दबंगों ने एक युवक की करी जमकर पिटाई, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के ग्राम सड़क दूधली में बुग्गी खड़ी करने को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी दबंगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। घटनाक्रम का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी, आपका नाम? मोहम्मद अमजद। रहने वाले कहाँ के? सड़क दूधली। क्या मामला आपके साथ? भैया बासी दे जो लड़का, इल्ताफ हकीम का लड़का है, ये रास्ते में बुग्गी खड़ी करके रखता है, वहाँ से हमारा आना जाना रहता है, भाई का आना जाना रहता है, तो उसको लेके उन्होंने भाई को भाई ने कह दिया होगा कि बुग्गी हटा लो, यहाँ पे आना जाने का रास्ता हो रहा है, तो उस बात पे उनमें कुछ हुआ होगा। अब भाई अनदेखा करके वहाँ पे अपने घर पे बैठ गए थे आगे, उनको पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले आके वहाँ पे मारपीट करी, छूट छटा हो गई होगी उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो अपने यार दोस्तों को, जिसको भी लेके आया, रिश्तेदार जो भी होंगे, उनके साथ आके फिर मारपीटाई करी उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? अब इंसाफ चाहते हैं सर हम। आपने कोई तहरीर दी? जी हाँ, हमने तहरीर दी है जनकपुरी थाने में। ठीक, हमें इंसाफ भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। चोट कितनी आई? चोट काफी है उसको, बहुत बुरी तरीके से मारा, वीडियो में देखा होगा आपने, वीडियो वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे। तो हम भाई ने ये भी बोला कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और तुम्हें अगर यहाँ को चलना है तो हमारे नीचे दबके ही रहना पड़ेगा। पुलिस ने कोई संपर्क किया आपसे? जी हाँ, बस उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी आपको सहयोग करेंगे सर, उन्होंने ये बोला है। जी हाँ, सड़क दूधली में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को मारते पीटते दिख रहा है, और इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 151 की कार्रवाई करी जा रही है जो आरोपी व्यक्ति हैं, और मेरे द्वारा इसका मेडिकल का भी अवलोकन किया गया है, कोई गंभीर चोट उसमें मेडिकल में नहीं है, और शांति व्यवस्था देखते हुए भी वहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉय कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक
बुग्गी को खड़े रहने को लेकर इसमें विवाद हुआ था। एक पक्ष है जो चाहता है कि वहां पे बुग्गी को खड़ी ना रहे और दूसरा पक्ष उस बुग्गी को हटा नहीं रहा था और इसी बात को लेकर वहां पे मारपीट हुई। साखन नहर पर ई रिक्शा और बाइक की हुई आमने सामने की भिड़ंत, तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें, थाना देवबन क्षेत्र के देवबन सहारनपुर हाईवे पर साखन नहर के पास एक हादसा हो गया। ई रिक्शा और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत होने के चलते तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार दो युवक देवबन से मुजफ्फरनगर किसी काम से जा रहे थे, जैसे ही वह साखन नहर पर पहुंचे तो उनकी टक्कर ई रिक्शा से हो गई। आमने सामने की टक्कर होने के चलते दोनों बाइक सवार लोगों एवं ई रिक्शा चालक को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को देवबंद अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों द्वारा उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनके परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई। पेपर मिल रोड पर घर के बाहर खड़े व्यक्ति को बाइक चालक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत, स्थानीय लोगों में रोष। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के पेपर मिल रोड पर शुक्रवार रात्रि को जितेंद्र खाना खाकर अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने जितेंद्र को टक्कर मार दी। घायल जितेंद्र को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी शनिवार में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वह प्रशासन से कई बार कह चुके हैं कि इस रोड पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस रोड पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है। हाँ जी, बताइए क्या घटना हुई है ये रात? भैया रोज आए दिन 30-35 दिन से डेली कोई ऐसा दिन नहीं आता कि इस रोड पर हादसा ना हो, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े हादसे। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो बेचारी परिवार एक कोमा में है, एक की मृत्यु हो गई, एक बच्चा भी एक्सीडेंट हुआ था। रात क्या घटना हुई, रात के बारे में बताइए। जितेंद्र हमारा भाई है, पड़ोसी है जी, ये अपने दरवाजे पर खाना खा के बाहर खड़ा था जी। एक मोटरसाइकिल वाला एक बड़ी तेजी से, मेरे ख्याल से इसकी स्पीड होगी 80-90-100 की लमसम स्पीड होगी इसकी, और लहराते हुए चल रहा था, टक्कर मारी हो जाए कार के बिना, जिसकी कान से भी खून आ रहा था, सर में भी पैर में भी चोट है, अब उसकी मौत हो गई है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी है? इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है फिलहाल, मगर हमें यहाँ पहले भी हमने पुलिस को सूचना दी, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस हमारी मदद करती है, ना क्षेत्र का पार्षद मदद करता है, ना ही कोई हमारा विधायक, ना कोई सांसद मदद करता। हमारी इस बार क्षेत्र के वासी एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कई वर्षों से हमारी मांग है कि हमें यहाँ स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाए। आबादी क्षेत्र है, आपको ही पता है कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, कई घर हैं। तो ये जो रात हादसा, प्रशासन से और यहाँ के विधायक सांसदों से कोई मदद नहीं मिल पाती है। जो रात ये हादसा हुआ है, क्या कारण रहा है इसमें? लापरवाही पुलिस की क्या रही है? पुलिस की लापरवाही भी रही है और दूसरा प्रशासन की भी लापरवाही रही है। ये तो स्पीड ब्रेकर की मांग है कई वर्षों से, वो कोई डंपर वगैरह चल रहे थे, डंपर क्लिंकर चलता है, अभी तरीके का क्लिंकर है जो उड़ता रहता है, लोगों की आंखों में जाता रहता है, मगर इस पर कोई रोकथाम नहीं है। अब क्या चाहते हो? मतलब यही चाहते हैं तो हमारे यहाँ रोड का स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाए और ये जो भारी वाहन चल रहे हैं इन पर लगाम लगाई जाए। जो ये व्यक्ति आज जो रात मौत हुई है, परिजन क्या चाहते हैं? परिजन ये चाहते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी इनका मुआवजा, जो भी सरकार से मदद हो, गरीब परिवार है, इनको इनकी मदद की जाए। रात किस टाइम की घटना है? रात 8:30 बजे। दिल्ली रोड स्थित मविकला में मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा रविदास जयंती निकाली शोभा यात्रा। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित मविकला में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। रविदास जयंती को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मनमोहक झांकियां बनाई गई। गुरु प्रेमियों ने शोभा यात्रा में भजनों का आनंद लिया और प्रसाद भी ग्रहण किया। शोभा यात्रा में समिति के सभी सदस्यों एवं नगरवासियों ने प्रतिभाग किया। हितेश कुमार, आज क्या कार्यक्रम? आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का 647वां जन्मोत्सव गांव मविकला में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर चलते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हुए आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भंडारा एवं झांकियाँ बनाई गई है। और सतगुरु महाराज जी का जो एक प्रमुख नारा है, ऐसे चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी कौन, छोट बड़े सब सब बसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसी कल्पना के साथ सभी श्रद्धालु अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अगले वर्ष इससे भी बड़ी धूमधाम से सतगुरु महाराज जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम सुमित कटारिया है। हमारे यहाँ रविदास जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे, रामपुर के चेयरमैन कुलदीप बालियान जी और वरिष्ठ समाज सेविक जयराम गौतम जी हमारे बीच मौजूद थे।
तकरीबन उन्होंने इकट्ठा शोभा यात्रा शुरुआत करी और भाईचारे देने का संदेश है, सब मिलजुल कर रहें, एकजुट रहें और प्यार से देश में रहें, यही जय भीम जय। प्रज्ञान स्थली स्कूल की 9 वर्षीय आरण्या छाबड़ा बनी सुपर टैलेंटेड किड पटेल नगर स्थित इंस्टीट्यूट पर हुआ स्वागत। आपको बता दें कक्षा 4 की आरण्या छाबड़ा ने तीव्र बुद्धि प्रशिक्षण में सुपर टैलेंटेड किड का खिताब जीता है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से कुछ मापदंड जैसे बच्चा कितनी बातों को याद रख सकता है, जिसमें आरण्या छाबड़ा ने व्यक्तियों के नाम, पते व मोबाइल नंबर को सीधे क्रम व उल्टे क्रम में याद रख तुरंत ही उसकी प्रस्तुति दी, जिसमें आरण्या छाबड़ा को सुपर टैलेंटेड किड का खिताब मिला है। अरण्या छाबड़ा, किस चीज में अवार्ड मिला है आपको? सुपर टैलेंटेड किड, आई एम वन इन द मिलियन। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मैं प्लेसेस नेम को सीक्वेंस वाइज और रिवर्स ऑर्डर में कर सकती हूँ। अब तक कितने प्रधानमंत्री रहे हैं? 19। सेकंड प्राइम मिनिस्टर? सेकंड गुलजारीलाल नंदा। थर्ड? लाल बहादुर शास्त्री। सिक्स? मुरारजी देसाई। अच्छा, कितने राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट? 17। अच्छा, सेकंड कौन से रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है? हम 10,000 तक हम कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें 3684 मल्टीप्लाई बाय 5? 18420। ओके अच्छा, आप अगर कोई फोन नंबर बताया जाए तो आप रिकॉल करके बता सकते हैं? एक नंबर बोलता हूँ, 9368051512। बताइए। 9368051512। ऐसे नहीं मजा आ रहा, इसे क्या रिवर्स में भी बता सकते हो? कम ऑन, टेल मी। 2515508639। ओके, आपका नाम? मेरा नाम अमित छाबड़ा है, मैं ब्रेन पावर जोन का डायरेक्टर हूँ। हम इस तरह से चीजें बताते हैं, देखिए शिक्षा के 4 आयाम हैं, या हम कह सकते हैं 4 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिकलेक्शन। रीडिंग राइटिंग पेरेंट्स घर पे भी करवाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए स्कूल में भेजता है। वहाँ पर टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई भी सीक्वेंस में हो गया, कोई हिस्ट्री की डेट्स हो गई, मैथ्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, लॉन्ग आंसर्स हो गए, ये चीज़ें बच्चों को समझ तो आ जाती हैं लेकिन याद नहीं रह पाती। हम उसको याद करने का तरीका बताते हैं, और न सिर्फ याद करने का, उसे याद करने में कम समय लगता है, लंबे समय तक याद रहता है, और जब भी जरूरत पड़ती है वो रिकलेक्ट कर सकता है। याद है बेटा, को मिलियंस में अवार्ड मिला है। अब आगे क्या तैयारी है इसकी? आगे ये अभी तो 10 20 30 नंबर्स को रिकलेक्ट कर सकती है, सीक्वेंस में बता देती है और रिवर्स में भी बता देती है। अब इसका एक और टारगेट है कि इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आए, और उम्मीद है क्योंकि उसमें इसने ट्राई किया हुआ है, नॉमिनेशन में आ चुका है इसका नाम, मे बी उसमें भी क्लियर हो सकता है। उसके बाद इसका ये कोशिश है कि 100 डिजिट तक की रिवर्स ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में और रिवर्स ऑर्डर में करे, ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आए। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर युवा मोर्चा द्वारा आगामी होने वाले कार्यक्रम युवा चौपाल को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आगामी होने वाले कार्यक्रम युवा चौपाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। युवा चौपाल कार्यक्रम महानगर के 11 मंडलों में प्रत्येक शक्ति केंद्र में आयोजित होगी, जिसमें 220 चौपाले युवाओं द्वारा की जाएंगी। युवा चौपाल का उद्घाटन 25 फरवरी को और समापन 4 मार्च को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर अध्यक्ष पुनित त्यागी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सचिन त्यागी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सत्यार्थ प्रकाश, महामंत्री हितेश शर्मा, मीडिया प्रभारी आशु सेठी मौजूद रहे। माननीय अध्यक्ष जी, आज की बैठक किस विषय पर है आपकी? आज संपूर्ण भारत के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा चौपाल का कार्यक्रम आगामी समय में लगातार चलने वाला है। छोटी से छोटी चौपाल पर हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नव मतदाताओं को लेकर वहां पर चौपाल करेंगे, लोगों से बात करेंगे, युवाओं को
को अपनी सरकार के बारे में उपलब्धियां बताएंगे और ये भी पूछेंगे कि युवाओं का आज भारतवर्ष के अंदर अपना भविष्य को किस नजर में देख रहे हैं। जिस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, तो जो उनका मुस्तकबिल है, उनका भविष्य है, वो भविष्य किस दिशा में जा रहा है और वो कितना खुश है और आगामी उनके विजन को उस धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज अलग अलग चौपालों के लिए अपने आप में कटिबद्ध है और वो हमारे पूरे महानगर के अंदर ही कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चलेगा और बहुत अच्छे स्तर पर चलेगा। तो इसमें युवा मोर्चा के बड़े पदाधिकारी भी बड़े पदाधिकारी भी सब कार्यकर्ता संपूर्ण मंडलों के अंदर हर शक्ति केंद्र पे 20-20 चौपालों का आयोजन करेंगे और छोटे से छोटे भी चौराहे पर, चौपाल पर, गांव में, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी चौपाल पर, चाय टपरी पर, जहां पर सदस्य युवा बैठते हो, मिलते हो, आते हो, जाते हो, उन सब पर, सब जगहों पर वो आयोजन करके और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा को दिशा निर्देश संगठन ने दिया है उसे वो अपने आप में चरितार्थ करेंगे। तो आज भी कोई पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हाँ, यहाँ पर आए हुए हैं और उनका परिचय स्वयं महानगर के अध्यक्ष सत्यार्थ जी देंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। तो मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी से ही सीधे पूछ लेता हूँ, अध्यक्ष जी क्या कार्य योजना रहेगी इस विषय पे आपकी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने इसका उद्घाटन सत्र रखा है। कल से 25 तारीख से लेकर 25 फरवरी से 4 मास तक के प्रत्येक मंडल में चौपाल के कार्यक्रम चलेंगे महानगर अध्यक्ष हमारे पुनीत त्यागी के नेतृत्व में और हमारे बीच में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बड़े भाई सचिन त्यागी जी प्रवासी के रूप में हमारे साथ रहेंगे। तो कल से जो चौपाल के कार्यक्रम है वो हर मंडल में स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो मैं प्रवासी जी से भी पूछ लेता हूँ, भाई साहब क्या योजना रहेगी प्रवासी के नाते, आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? ये जो कार्यक्रम हमारा युवा चौपाल का है, ये हमारे महानगर में पूरे 11 मंडल हैं, तो प्रत्येक मंडल में हम 20 जगह 20 स्थानों पर 20 से 50 तक के, कम से कम 20 से 50 की संख्या की युवा चौपाल करेंगे, जिसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के युवा नौजवान साथी रहेंगे। उनका उद्देश्य यही होगा कि ऐसे स्थानों पर हम ये युवा चौपाल करेंगे जहां से गांव की, देहात की, गली नुक्कड़ की राजनीतिक आबो हवा गुजरती है, वहां पर युवा चौपाल का कार्यक्रम करके हम आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल शुरू करेंगे। इसी के मध्य हम ये युवा चौपाल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, जिसका कल से उद्घाटन है, कल 25 तारीख से आने वाली 5 मार्च तक ये प्रतिदिन चौपाल रहेंगी, पूरे भारतवर्ष में रहेंगी और ये उत्तर प्रदेश में हम प्रवासी के नाते, जैसे मुझे लगाया गया है प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, तो हमें यहाँ ये करना है कि अपने पूरे मंडल पर, अपने शक्ति केंद्र तक जाकर इसकी योजना रचना करनी है और मंडल के, जिला के पदाधिकारियों को एक पदाधिकारी हमने विस्तारक के रूप में मंडल में भेजा है जो इसकी मंडल तक मॉनिटरिंग करेगा। अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया सेमिनार का आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर वुड कार्विंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में सेमिनार के दौरान कार्यकारिणी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सेमिनार में अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सेमिनार में मुख्य रूप से इरफान उल हक, मोहम्मद औसाफ गुड्डू, उमेश सचदेवा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर वुड कार्विंग एसोसिएशन के तत्वाधान में इसलिए आयोजित किया गया है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है ETCH दिल्ली में, उसकी जो कार्यकारिणी बॉडी होती है उसके यहाँ COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हर साल 2 पद रिक्त हो जाते हैं, जिसके इसका इलेक्शन होता है। तो इस साल जो 2 पद रिक्त हुए हैं उस इलेक्शन में हमारे मुरादाबाद से श्री नीरज खन्ना जी और अधीश अग्रवाल जी ये प्रत्याशी हैं और वो सहारनपुर के सारे एक्सपोर्टर्स से अपनी सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए सहारनपुर आ रहे थे। तो आज उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि वो सबके पास अलग अलग न जाके एसोसिएशन ने सारे मेंबर्स को एक होटल में यहाँ इनवाइट किया और जिससे उन्होंने अपनी बात रखी। और उसमें नीरज विनोद खन्ना जी ने ये भी बताया कि वो सहारनपुर, वो मुरादाबाद में एक बहुत अच्छा ट्रस्ट चला रहे हैं। हमने भी सहारनपुर वुड कार्विंग एसोसिएशन ने एक ट्रस्ट यहाँ बनाया है
जिसका नाम हमने रखा है सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट। तो आर्टिजन के वेलफेयर के लिए एक ट्रस्ट हम जो बना रहे हैं आज, इसमें हमें EPCG ने वहाँ 5 लाख रुपए का हमें उसमें अनुदान दिया है, 1 लाख रुपया हमें जफर इस्लाम साहब जो हैं, 1.5 लाख रुपया उन्होंने वहाँ मुरादाबाद के जो भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपया इस पर दिया है। इसके अलावा हमने एसोसिएशन के मेम्बर्स ने 20 लाख के करीब इकट्ठा कर रखा है। तो अब हम इस ट्रस्ट के माध्यम से अपने आर्टिजन की मदद के लिए मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल असिस्टेंस या और भी किसी तरीके से जो उनको मदद चाहिए हम उसको मदद के लिए अब आगे आएंगे। और इसके अलावा बाकी हमारे सारे साथियों ने करीब करीब ये फैसला कर लिया है कि वो इस इलेक्शन में नीरज विनोद खन्ना जी और अवधेश अग्रवाल जी को ही सपोर्ट करेंगे। थाना GRP पुलिस ने 2 शातिर एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की करी कार्रवाई। आपको बता दें जनपदीय एवं अंतर जनपदीय स्तर पर गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करके वे लोक व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से भय आतंक पैदा करके यात्रियों को आतंकित कर लगातार चोरी के अपराध में अग्रसर 2 शातिर एवं पेशेवर अपराधियों के समाज विरोधी क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर एवं पेशेवर अपराधियों मनोज कोरी एवं संदीप के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशन, ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न होगा। चिलकाना कस्बे में हाइड्रा पर अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा दुल्हा क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। आपको बता दें चिलकाना कस्बे के एक पैलेस में दुल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने एक अलग ही अंदाज में हाइड्रा पर सवार होकर पहुंचा। सरसावा क्षेत्र के गांव इब्राहीपुरा से तोयाब अपनी बारात लेकर चिलकाना कस्बे में गया था। उसने बारात ले जाने के लिए एक अलग ही तरीका चुना और अपने गाँव से हाइड्रा पर सवार होकर चिलकाना कस्बे में पहुंचा। दुल्हे का कहना था कि यह मेरा शौक था, हाइड्रा मेरा अपना है, शौक को पूरा करने के लिए मैंने ऐसा किया है। मानकमऊ क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने कब्जा की गई एक जोहड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त, लगाया निगम का बोर्ड। आपको बता दें नगर निगम की टीम ने मानकमऊ क्षेत्र में कब्जा की गई एक जोहड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उस भूमि पर नगर निगम संपत्ति होने का बोर्ड लगा दिया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मानकमऊ में जोहड़ की जमीन 668.43 वर्ग मीटर पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर तालाब की भूमि में भराव कर नींव भरवा दी गई थी। इसकी शिकायत मिलने पर जांच में पाया गया कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त के आदेश पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता उक्त स्थल पर पहुंचा, अवैध कब्जा कर बनाई गई दीवार को JCB से ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर नगर निगम की संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। नगरायुक्त ने जोनल ऑफिस, MRF सेंटर, स्मार्ट पार्क, रायवाला उपवन का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें नगरायुक्त संजय चौहान ने निगम परिसर स्थित जोनल ऑफिस, मातागढ़ स्थित MRF सेंटर, म्यूनिसिपल कॉलोनी स्थित स्मार्ट पार्क व निगम के रायवाला उपवन का निरीक्षण किया और उनके संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगरायुक्त संजय चौहान ने अपर नगरायुक्त राजेश यादव व स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ निगम परिसर स्थित जोनल ऑफिस का निरीक्षण किया। उन्होंने नक्शे पर लेआउट प्लान देखा और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए 1 माह में कार्य पूरा करने को कहा। कार पार्किंग शेड के स्थान पर उन्होंने मल्टीलेवल कार पार्किंग का भी सुझाव दिया। इसके बाद नगरायुक्त ने मातागढ़ स्थित MRF सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरा पृथक्करण की जानकारी लेते हुए उन क्षेत्रों में भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया। नगरायुक्त ने म्यूनिसिपल कॉलोनी स्थित स्मार्ट पार्क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महानगर में बनाए गए सभी स्मार्ट पार्कों के सही रखरखाव पर बल देते हुए उनकी साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। बाद में नगरायुक्त रायवाला स्थित निगम के उपवन पहुंचे और वहां विकसित किए गए अमृत वन, मियावाकी वन की सराहना करते हुए उपवन को और बेहतर ढंग से विकसित करने, दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के धर्म गुरु द्वारा दिए गए विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के धर्म गुरु द्वारा दिए गए विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिए गए बयान पर अफसोस जताया है। मुफ्ती असद कासमी ने कहा इस मुल्क के अंदर रहकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा धर्म गुरुओं को आपस में प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए, अमन और शांति का संदेश देना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से अयोध्या के एक धर्म गुरु है, उन्होंने बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर, तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे धर्म गुरुओं को लेकर जो इस तरह के की भाषा का प्रयोग करते हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। चाहिए तो ये था कि धर्म गुरुओं को आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन शांति का संदेश देना चाहिए, लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देती। सबसे पहले तो मैं इन धर्मगुरु से ये पूछना चाहता हूं कि शायद इनको हिंदुस्तान के इतिहास का मुताला नहीं, दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, दारुल उलूम देवबंद का इतिहास इनको मालूम नहीं। अगर दारुल उलूम देवबंद ना होता और इसके सपूत ना होते, ये उलामा मौजूद ना होते, तो ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद ना होता। अंग्रेज जैसी जालिम व जाबिर कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर अगर किसी ने किया है, वो दारुल उलूम देवबंद के सपूतों ने किया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख का इन जैसे लोगों को मुताला करना चाहिए, उसके बाद में अपनी जबान को खोलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि दारुल उलूम के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई तो दारुल उलूम को तोड़ दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसे साधु संतों को अपनी जबान के ऊपर लगाम देने की जरूरत है और मुल्क के अंदर अमन शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने की जरूरत है, ना कि नफरत को बढ़ावा देने की जरूरत है। तमाम धर्म गुरुओं को, किसी भी जात और धर्म के क्यों ना हो, वो चाहिए कि अमन शांति का संदेश दे, प्यार मोहब्बत का संदेश दे, इसी से हमारा मुल्क तरक्की। देवबंद नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर निकाली गई बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा झांकी रही आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें, देवबंद में संत शिरोमणि गुरु रविदास युवा समाज विकास समिति के तत्वावधान में गुरु रविदास जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और सुंदर झांकियां शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। रविदास मार्ग जाटव नगर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा का उद्घाटन नगर पालिका देवबंद अध्यक्ष विपिन गर्ग ने किया। यह शोभा यात्रा देवबंद के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा।